वाउजिंग लाइन है, वाउजिंग टैकल इसको हम बोलते हैं। लाइपबोर्ड डेविड पैनल है, ये लॉक्स डेविड लॉन्च लाइपबोर्ड्स जो होती हैं उनमें ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। लोड रिलीज रैचेट हम इसको बोलते हैं। आपको समझाता हूँ टेंडर बोर्ड और लाइपबोर्ड में क्या डिफरेंस है। अभी बताया आपने, अगर तेल बंद करना हो गाड़ी का इमरजेंसी में, रेन वाटर कलेक्ट करने के, तो मैंने पायरोटेक्निक्स की बात की थी। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Hello, namaskar, sat sri akal. जय श्री राम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए स्टूडियो में। हमारे इंडोनेशियन साथी वायरस आप लोगों से पहले मिले हुए हैं, तो इस बार हम हैं बोट डेक में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लाइफबोट लॉन्चिंग प्रोसीजर, डेविड लॉन्च जो लाइफबोट रहती है। वैसे मैक्सिमम जहाज़ों में अभी तो आपने देखा होगा कि फ्री फॉल लाइफबोट है, लेकिन ये जहाज या नॉर्मल बहुत सारे कार्गो शिप में भी अभी डेविड लॉन्च लाइफबोट है, या फिर पैसेंजर जहाज़ों में आप जाओगे तो मैक्सिमम डेविड लॉन्च लाइफबोट ही आपको मिलेंगे। तो हम लोग जानेंगे लॉन्चिंग प्रोसीजर डेविड लॉन्च लाइफबोट्स का, उसके बाद अंदर के इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे शॉर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं बिना देरी किए। चलिए तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा डेविड लाइफबोट का। ये फॉरवर्ड डेविड पे अभी हुक पे अटका हुआ है, और ये हमारी लाइफबोट है, टेंडर बोट भी है ये, और एज इमरजेंसी लाइफबोट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 141 पर्संस, यानी कि 141 लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। हमारे पास टोटल 14 लाइफबोट्स हैं। तो पीछे आप देख रहे हैं ये आफ्ट डेविड हुक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये अपना डेविड का वायर, ये रोलर है, और ये डेविड का हुक अटका हुआ है अपने लाइफबोट से। ये जो है ऑन लोड ऑफ लोड, जो हम अंदर से भी इसको रिलीज कर सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ को, और ये लॉक हो जाता है। तो ये हमेशा इसका काफ़ी क्रिटिकल रहता है ये, जब भी हम इसको रिलीज करते हैं डेविड लॉन्च लाइफबोट्स में। ये हमारी वाउजिंग लाइन है, वाउजिंग टैकल इसको हम बोलते हैं। तो ये वाउजिंग लाइन है, इसको हमने अभी सिक्योर किया, लेसिंग किया हुआ है। तो ये इसका मेन काम होता है कि जहाज के अलोंग साइड लाने का लाइफ बोट्स को, इमरजेंसी के टाइम पे जब हम लोअर करते हैं। तो लाइफ रिंग भी हमने रखे हुए हैं स्मोक सिग्नल के साथ में। चलिए मैं आपको डेविड के पैनल पे सबसे पहले लेके चलता हूँ। तो ये हमारा लाइफ बोट डेविड पैनल है, ये लॉक सिस्टम है। अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये लॉक हट जाएगा यहाँ से। इसका लीवर है स्विंग आउट करने के लिए, ये हीविंग करने के लिए, और ये लोअर करने के लिए। ये इमरजेंसी स्टॉप है। तो जब हम बूम को स्विंग आउट करते हैं, ये डेविड बाहर ऑल द वे यहाँ निकल के आते हैं, लाइफ बोट ऐसे हवा में झूल जाती है। हम इस लाइफ बोट को तीन तरीके से लोअर कर सकते हैं। पहला, लोअर करने के लिए हमारे पास ये बटन है। पहला तरीका है, हम विंच से इसको आराम से पावर के साथ लोअर कर सकते हैं। दूसरा लोअर करने का है, ये जो पतली सी वायर आपको दिख रही है, इसको हम काउंटर वेट वायर भी बोलते हैं या ब्रेक वायर भी बोलते हैं। तो इससे अगर हम इसको खींचेंगे तो ब्रेक अपने आप ही उठ जाएगा, तो उससे भी हम इसको लोअर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ये ब्रेक से कनेक्टेड है। इसको हम यहाँ से ऊपर उठाएंगे तो जो विंच का ड्रम का जो ब्रेक है वो खुल जाएगा, तो उससे भी लाइफ बोट अपने आप लोअर हो जाएगी। ये डेविड्स मैंने आपको दिखाए थे, ये डेविड्स कनेक्टेड हैं ये वायर पूरे रोलर के साथ। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वायर की पूरी ड्रम पड़ी हुई है, यहाँ पे पूरी वायर कनेक्टेड है। जब भी हम ब्रेक से या फिर ऑन विंच से इसको लोअर करते हैं, यहाँ से वायर अपने आप ही खुलती हुई जाती है। तो ये लोअर करने का प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था, और अब हम चलते हैं अंदर और समझते हैं ऑन लोड ऑफ लोड रिलीज सिस्टम को। डेविड लॉन्च लाइफबोट्स जो होती हैं उनमें ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये हमारा है रिलीज हैंडल,
ऑफलोड रिलीज हैंडल इसको हम बोलते हैं। चाहे हमें ऑनलोड रिलीज करना है या ऑफलोड रिलीज करना है, पहले तो ऑनलोड ऑफलोड को समझते हैं। ऑफलोड रिलीज यानी कि पानी में जब पूरी बोट फ्लोट हो जाती है उसके बाद आराम से हम इसको अगर खोलेंगे तो उसके जो हुक हैं वो अपने आप ही बाहर से खुल जाएंगे, उसको हम ऑफलोड बोलते हैं। ऑनलोड मतलब अभी भी हुक में वेट है, उसके बाद पानी से 1 मीटर 2 मीटर पहले ही हमने हुक छुड़ाने हैं, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा और जोर लगा के करना होता है, उसको हम ऑनलोड बोलते हैं, वो यहाँ से करते हैं। चाहे हमने ऑनलोड रिलीज करना है या ऑफलोड रिलीज करना है, सबसे पहले हमने ये सेफ्टी पिन को यहाँ से हटाना होता है। ये सेफ्टी पिन अंदर लॉक करके रखा होता है इस सिस्टम को। सेफ्टी पिन हटाने के बाद सेकंड काम हमारा रहता है इस चीज़ को हमने खींच के यहाँ पे ला के रखते हैं, यानी कि जो सिस्टम समझ सकते हैं आप, यहाँ पे फ़ोटो भी खींच के रखी है, इसको हम खींचेंगे और इस ओर खींचेंगे, बाहर से हुक अपने आप रिलीज हो जाएंगे। तो ये ऑफलोड रिलीज था। ऑनलोड रिलीज करने के लिए भी हमने पिन हटाना होता है और ये ग्लास को तोड़ना होता है। जब ये काम नहीं कर रहा है तो उस लिए इमरजेंसी में हमने यहाँ से हम इसको रिलीज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है ऑनलोड रिलीज रैचिट, हम इसको बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है हमारे पास ऑनलोड रिलीज रैचिट। काफ़ी ज़्यादा वेटेड है, यानी कि ये समझ सकते हैं ये एक रैचिट के तरीके से काम करता है, जैसे स्पैनर रहता है ना। ये हम ये वाला हिस्सा और नीचे हैंडल है इसका, नीचे से हम लोग पकड़ेंगे और ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग इसमें फंसाएंगे, यानी कि ये ग्लास तोड़ के इसके अंदर फंसा के फिर यहाँ से हमने मैनुअली इसको खोलना होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से मैनुअली इसको पावर अपने जोर से खींचते जाएंगे तो बाहर से वो हुक जो है अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। इसमें भी ये चीज़ें हैं, फोटो में भी यहाँ पर समझा के रखा हुआ है। तो ये था ऑनलोड ऑफलोड रिलीज प्रोसीजर। तो दोस्तों, वैसे तो सबसे सेफेस्ट लाइफ बोट तो जहाज़ है, तो जहाज़ को अगर कुछ हो गया है तो इमरजेंसी में अपने एक बचने का दूसरा साधन रहता है। तो हम मैं अभी बैठा हूँ ड्राइवर सीट पे, आपको दिखाता हूँ यहाँ से। स्टारबोर्ड इंजन है, ये पोर्ट इंजन है, बीच में मैग्नेटिक कंपास है, ये लीवर है पोर्ट और स्टारबोर्ड इंजन के, और ये फायर डिटेक्टर है, यानी कि अगर इंजन रूम में फायर होगी तो उसको डिटेक्ट करता है ये मशीन। ये इस लाइफ बोट का स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितना हमने पोर्ट में दिया है या स्टारबोर्ड में दिया है, अपना स्टीयरिंग कितना घुमाया है। यहाँ पे फ्यूल, हमारे बोट में कितना फ्यूल बचा है ये दिखाता है। काफ़ी सारे और इक्विपमेंट हैं, लाइटिंग के हैं और वाइपर के हैं। ये अपना इको साउंडर है, यानी कि हमारे लाइफ बोट के नीचे कितना डेप्थ है। ये कम्युनिकेशन के लिए रेडियो यहाँ पे है, तो ये सारे इक्विपमेंट इसको ड्राइव करने के लिए काम आता है। नॉर्मली ये टेंडर बोट भी है, मैं आपको समझाता हूँ टेंडर बोट और लाइफ बोट का डिफरेंस है। तो दोस्तों, टेंडर बोट और लाइफ बोट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हर टेंडर बोट एक लाइफ बोट होती है अपने आप में। लाइफ बोट जो है हमारे जहाज में टोटल 10 लाइफ बोट्स हैं और 4 टेंडर बोट है, लेकिन 4 टेंडर बोट जो है वो भी एज ए लाइफ बोट के तौर पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि टेंडर बोट्स में हमारे पास डबल इंजन है और लाइफ बोट में सिंगल इंजन है। टेंडर बोट्स में थोड़ी सी इक्विपमेंट ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली हम इनको यूज करते हैं पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन में। अगर कहीं पे हमने अपने पैसेंजरशिप को एंकर में डाला है तो हमने शोर में उनको गेस्ट को लेके जाना है, तो हम टेंडर बोट्स का यूज करते हैं उस टाइम पे। लेकिन टेंडर बोट भी एक लाइफ बोट के तौर पे काम करती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास लाइफ बोट में काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे पायरोटेक्निक्स बोलते हैं, जिसमें स्मोक सिग्नल रहता है, हैंड फ्लेयर रहते हैं, रॉकेट पैराशूट रहता है, पीने के लिए पानी रहता है, यानी कि 141 अगर लोग यहाँ पे बैठेंगे इमरजेंसी के टाइम पे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ना मालूम कब हमें कोई बचाने के लिए, जब तक कोई आए ना तब तक के लिए हमारे पास पीने के लिए इनफ पानी होना चाहिए। खाना हमने रखा होता है इमरजेंसी राशन, हम उनको बोलते हैं, यानी कि बिस्कुट रहते हैं जो हम इमरजेंसी के टाइम पे खाते हैं। उसमें भी नियम रहता है कि इतना ही पानी एक दिन में आदमी पिएगा या इतना ही खाना उसको मिलेगा, सर्वाइव करना होता है एक्सी में। तो उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास हैं इनकेस अगर आग लग गई तो, और बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं। भाई जी, ये भी बताया आपने, अगर तेल बंद करना हो गाड़ी का इमरजेंसी में, तेल बंद करने के लिए भाई जी हमारे अंदर वाल अंदर जूम करके दिखाएं, दो बाल दिखेंगे गाइस अगर। हाँ,
इंजन रूम में आग लगी तो तीन काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्विक क्लोज वाल्व यानी कि फ्यूल शट डाउन करना होता है, उसके बाद सारे डैम्पर्स जो रहते हैं डैम्पर्स बंद करने होते हैं, जो ये हैं एयर डैम्पर, तो ये हमने सेट करने होते हैं। इसके बाद में हम CO2 रिलीज करते हैं। चलिए मैं आपको CO2 बॉटल दिखाता हूँ और रिलीज सिस्टम दिखाता हूँ। ये CO2 बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, इमरजेंसी इंजन रूम में आग लग गई तो यहाँ से हम CO2 रिलीज करके आग को बुझा सकते हैं। ये यहाँ से CO2 रिलीज कर सकते हैं और CO2 बॉटल इसके आगे रखी हुई है। लाइफ बोट का इंजन दिखा रहा हूँ ऊपर से। अगर यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी में सपोज आग लगी, जो फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के तौर पे काम करता है, CO2 जो चीज़ है रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए जगह जगह पे बने हैं। अगर बारिश होगी, छत पे बारिश गिर गई तो हम इसे कलेक्ट करके ड्रिंकेबल कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी में पानी पीने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहें, अगर स्टीयरिंग फेल होगी, स्टीयरिंग काम नहीं कर रही तो इमरजेंसी टिलर है, ये हैंडल आप देख सकते हैं येलो कलर का नीचे जो रखी है, उससे हम यहाँ से इमरजेंसी में स्टीयरिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी टिलर हम इसको बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पायरोटेक्निक्स की बात की थी। ये हमारे पास रॉकेट पैरासूट है, वर्टिकली जब हम इसको आसमान की ओर छोड़ते हैं तो 300 मीटर वर्टिकली आसमान की ओर जाता है। काफ़ी तेज ब्राइट लाइट इसमें रहती है और एक पैरासूट की तरीके से बन के वो नीचे को आता है, तो उससे दूर खड़े लोगों को या फिर आसपास के जहाज़ों को पता चलता है कि इसने यहाँ इस एरिया में रॉकेट पैरासूट छोड़ा गया है, या कि यानी कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी हुई है। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे ही इस चीज़ को हम छोड़ते हैं और स्पेशली रात में ही छोड़ा जाता है। दूसरा है हमारे पास हैंड फ्लेयर, यानी कि जैसे दिवाली में आपने देखा होगा फुलझड़ियाँ आती हैं, तो उस तरीके का ही होता है ये भी। और ये इसको हम विंड को ध्यान में रखते हुए कि कैसे इसको जलाना होता है, तो उसका ड्यूरेशन रहता है 1-1.5 मिनट तक ये कंटिन्यू लाइटिंग करता रहे रेड लाइट, तो आसपास अगर कोई भी जहाज़ रहेगा तो उसको दिखेगा। इसके अलावा हमारे पास स्मोक सिग्नल रहता है, ये नॉट लेस देन 3 मिनट यानी कि 3 मिनट कम से कम इसने कंटिन्यू स्मोक देना होता है। सम ऑरेंज स्मोक इसमें से निकलता है जो दिन के टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो स्मोक सिग्नल हमारे पास रहते हैं, 6 हैंड फ्लेयर रहते हैं और 4 रॉकेट पैरासूट हमारे पास लाइफ बोट में रखे रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल फर्स्ट एड किट रहती है, फिशिंग टैकल रहता है और रडार रिफ्लेक्टर रहता है, तो बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स रहते हैं जो हमें इमरजेंसी के टाइम पे दूसरे जहाज़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे और सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर रहता है, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं जिससे हम दूसरे जहाज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं या दूसरे जहाज़ों का अटेंशन अपनी ओर खींच सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। ये छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की थी कि डजंट मैटर यार वो ऑफिसर है, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, या फिर कोई रेटिंग से आए या गैली डिपार्टमेंट से आए, इंजन रूम से आए, तो उसका हर एक बंदे के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लाइफ सेविंग अप्लायंसेस में ये आता है लाइफ बोट, इमरजेंसी के टाइम पे हम कैसे लाइफ बोट्स को लॉन्च करते हैं, कैसे ऑनलोड ऑफ रोड रिलीज सिस्टम रहता है, या फिर क्या क्या इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना होता है, ये नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि जो बंदा मर्चेंट नेवी में भी अपना करियर बनाने की भी सोच रहा है तो वो चीज़ ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उसने अपने ध्यान में रखनी चाहिए अभी से। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पे नए हैं तो ऐसे रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस मिलेंगे किसी और देश में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दो, धन्यवाद, जय हिंद।